चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा प्रोफेशन जहां पैसा ही पैसा होगा सोचकर देश के लाखों युवा तैयारी करते हैं। हो भी क्यों ना, चाहे बिजनेस हो, गवर्नमेंट हो, नॉन प्रॉफिट सेक्टर हो, जहां पर भी पैसे का अच्छा खासा लेन देन होता है, सीए की जरूरत तो पड़ती ही है। पर आपने कभी सोचा है कि एक सीए की ताकत या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है, सीए बनने के फायदे या नुकसान क्या क्या होते हैं? जानेंगे आज इस वीडियो में कि एक सीए बनने के फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि भाई क्या क्या पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक सीए के ऊपर आती हैं। आइए जानते हैं। अगर जल्दी जल्दी मैं एक सीए की ताकत और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताऊं तो इतना जानिए कि बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जहां अगर सीए ने साइन नहीं किया तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। एक सीए के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारी ताकत होती हैं, और एक सबसे बड़ी ताकत होती है ऑडिट करने की। आप इमेजिन करिए कि वो एक कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकता है जिसमें फॉरेंसिक ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट जैसी चीजें शामिल रहती हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड को मेंटेन करके उनको एक्यूरेसी से एनालाइज किया जा सके। टैक्सेशन पावर, एक सीए के पास ताकत होती है कि वो किसी बिजनेस या इंडिविजुअल को टैक्स रिलेटेड सर्विसेज दे सकते हैं जिसमें टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, टैक्स लिटिगेशन जैसी चीजें शामिल रहती हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पावर, एक सीए के पास ना सिर्फ किसी फाइनेंशियल रिपोर्ट को इंटरप्रेट करके समझने की ताकत होती है बल्कि वो फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार भी कर सकते हैं जिसमें रेगुलेटरी, मैनेजमेंट और इन्वेस्टर रिपोर्ट भी शामिल होती है। बिजनेस एडवाइजरी पावर, आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सीए के पास ताकत होती है कि वो किसी भी बिजनेस को एडवाइज कर सकता है, चाहे वो वैल्यूएशन के टर्म्स में हो, रिस्क मैनेजमेंट के टर्म्स में हो, एक्विजिशन हो या मर्जर हो या फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस हो, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो भैया ये तो सारी बातें हो गई कि एक सीए के पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या क्या ताकतें होती हैं, लेकिन अब जानने की कोशिश करते हैं कि सीए बनने का क्या फायदा क्या नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं। सीए बनने का सबसे बड़ा प्रोज ये है कि एक हाई डिमांडिंग जॉब है। इमेजिन करिए बहुत सारे बिजनेसेस हैं, इनको चलने के लिए सीए की जरूरत है और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आसानी से कोई भी घुस नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर डिमांड भी ज्यादा है, जॉब सिक्योरिटी भी ज्यादा है, देश के साथ साथ देश के बाहर भी आप काम कर सकते हो। सीए बनने का दूसरा सबसे अच्छा प्रोज ये है कि इसमें पैसा भी अच्छा खासा है। अब हाई डिमांडिंग जॉब है तो पैसा तो अच्छा मिलेगा ही। अगर इसको हम कंपेयर करें एक आईटी प्रोफेशनल से तो हम पाते हैं कि सीएस को अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। एक वेबसाइट है पे स्केल नाम की जो बताती है कि ऑन एन एवरेज एक एवरेज सीए को 7 LPA तक मिल जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा प्रोज ये है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लोग आपको भर भर के इज्जत देंगे, रिकॉग्निशन देंगे और आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। इमेजिन करिए आपके रिश्तेदार कितने जल बुझ जाएंगे जब आप उन्हें बताएंगे कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो। रिश्तों की बरम्बार हो जाएगी, भाई ये बात तो मजाक है लेकिन सच में सीएस को अच्छी खासी रिकॉग्निशन और पावर नाम के साथ साथ मिलती ही है। एक और चीज़ फायदेमंद ये होती है कि भाई एंटरप्रेन्योरल स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं। इतने सारे बिजनेसेस को देखते देखते एक्सपोज होते होते उनकी इनिटी ग्रिटी को आप समझ जाते हो, जिसके बाद आप खुद के भी बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हो और फ्यूचर में अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। तो भैया ये हो गई सारी अच्छी अच्छी बातें। अब जानते हैं कि एक सीए बनने के साथ क्या क्या नुकसान आपको झेलने पड़ते हैं। जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि हाई इनिशियल कॉस्ट आती है। एक सीए बनने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, ना सिर्फ पैसा बल्कि मेहनत, टाइम, ये सब भी लगता है। इमेजिन करिए आप अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करोगे, साथ ही साथ एक प्रोफेशनल सीए के अंडर काम भी करोगे और इन सबको करते करते आपको बहुत सारा टाइम, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस प्रोफेशन के साथ स्ट्रेस साथ में आता है। आप इमेजिन करिए कि दिन भर टैक्स कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो और आपको घंटों वही काम करके हो गए लेकिन काम खत्म नहीं हो रहा, वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से स्ट्रेस होता है। लेकिन भाई जितने भी सीए स्टूडेंट्स हैं वो इस बात की जानकारी ऑलरेडी रखते हैं और पहले से तैयार होके आते हैं कि हमें स्ट्रेस झेलने की आदत डालनी है, इसीलिए तो सीए बनना है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि भाई ये काफी कॉम्पिटिटिव फील्ड है। बहुत सारे लोग कहेंगे इसमें कॉम्पिटिशन कहाँ है। अब भाई यार कोई MBA है, कोई CMA है, कोई CFA है, इनसे तो कॉम्पिटिशन करते हो ना, पढ़ाई के टाइम पे भी करते हो और जब बन जाते हो तब भी कॉम्पिटिशन जारी रहता है, क्योंकि बिजनेस की जो ये फील्ड है ना काफी एवर इवॉल्विंग फील्ड है। यहाँ पर चीजें बदलती रहती हैं, बहुत तरीके से इवॉल्व करती रहती हैं, तो आपको भी सीखना है, अपने आप को इवॉल्व करना है। अगर ठहरे पानी की तरह बने रहोगे तो अपनी जो ग्रोथ है उसको मार दोगे। ग्रो करना है तो फिर बहुत सारी नई चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो इसी साथ मैं आपको बता दूं कि ये सारी वो बातें हैं जो मैंने आज आपको बताई। आपके मन में अगर कोई भी डाउट है आप कॉमेंट में मुझे बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए जहां बड़ी बिजनेस इनसाइट्स पोस्ट होती रहती हैं। और हां, नए हो चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।